सिविल सर्विसेज परीक्षा में IAS संवर्ग में 448 रैंक पाने पर मोहम्मद हाशिम के सम्मान समारोह का आयोजन इलाहीबाग स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। जमीयतुल मंसूर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हाजी कमरुद्दीन, शकील अहमद, मकबूल अहमद, हसन जमाल उर्फ बबुआ भाई, डॉक्टर अब्दुल वहाब सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में IAS में चयनित होने पर मोहम्मद हाशिम का माल्यार्पण करके तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि मेहनत किए बिना सफलता हाथ नहीं लगती। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IAS मोहम्मद हाशिम ने कहा, हमने कहा भाइयों, मैंने कहा आपको इतिहास को बताए, तो ये तो टीपू सुल्तान है, हमने तो ये नहीं, क्योंकि मैं धुनिया हूँ, मंसूरी हूँ, आपको लगा क्या, और इतिहास में बताए कुछ भी मुश्किल नहीं है किया जा सक करके। ऑब्वियसली जो 80% नंबर से मैं पास हुआ, तब जाकर मेरी नौकरी बिना पैसे का मैं टीचर बना, ये भी मुझे लगता है कहीं कहीं इतिहास में लिखाई जाएगा कि टीचर की नौकरी बिना पैसे की नहीं मिल सकती है। IAS की नौकरी बिना पैसे की मिलेगी, लेकिन टीचर की नौकरी बिना पैसे की नहीं मिलती है। और मैं बिना पैसे का टीचर हूँ आसिम साहब, वहाँ जाकर दूसरे जिले में मुझे जो है वहाँ पर हमारा इंटरव्यू कई दिनों तक किया गया, और मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए मैंने उस चीज को किया। आप लोगों को यही कहूंगा, बहुत इनसे सीख लेकर के हमारे हाशिम भाई आए हैं, हम उनसे सीखेंगे कि हमारे बच्चे को मैंने कहा है इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया है कि बच्चे चल के उनसे सीखो। नहीं जब तलक के शाम न हो, रहे हयात में दरिया की तरह चल आरिफ, हजार मुश्किलें आए मगर कयाम न हो। जरा अकमल साहब, मैं इनको आवाज दूंगा कि हक की आवाज। हेमंत साहब के वाली साहब, डॉक्टर साहब को चीज नामुमकिन नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं मानता हूं, मोमिन हूं, अच्छी और बुरी किस्मत पर मेरा ईमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किस्मत के नाम पर हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहें और ये सोचें कि हमारे किस्मत में अगर है तो मेरे पास चल कर आएगा। नहीं, किस्मत उसके पास चल कर आती है जो मेहनत करते हैं, जो मशक्कत करते हैं, जो कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करेंगे तो किस्मत आप तक चलकर नहीं आएगी। कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी हर इंसान में नहीं होती, अधिकारियों की जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वो हर इंसान में नहीं पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हर घर में IAS होता, हर घर में IPS होता। उनका रिजल्ट आया होती हुई खुशी के आंसू रहते हैं। आपको क्या नाम है, पुणे में पास कराया, ये खुदा। देखिए, ये तो एक कड़ी परीक्षा है, तो मैं इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और मेरा ये चौथे साल में हुआ, थर्ड अटेम्प्ट था, तो काफ़ी मुश्किल परीक्षा है, मेहनत करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात इसमें मेरी कामयाबी का सेहरा किसको जाता है, तो इसका सेहरा सबसे पहले मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल वहाब को जाता है, जो बस्ती में मेडिकल ऑफिसर हैं। उन्होंने ही इस सर्विस के बारे में मेरे अंदर शौक जगाया, उन्होंने ही बचपन में इसके बारे में बताया मुझे, और जब ज़रूरत उन्होंने ही मेरी पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल, मोरल हर तरीके का सपोर्ट दिया, और वो मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस का सोर्स रहे। और इसके बाद अगर किसी को सहरा जाता तो मेरे माता पिता, जिनकी और मेरे शुभचिंतक, जिनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए, अगर इस समाज के कम लोग आ रहे हैं इस परीक्षा में, तो उसके जो कारण मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो जागरूकता नहीं है इस परीक्षा के बारे में, तो जागरूकता जितनी ज़्यादा आएगी उसी हिसाब से ज़्यादा इस परीक्षा में बैठेंगे, और जितना ज़्यादा बैठेंगे उसी हिसाब से उनके आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जो ज़रूरत है वो जागरूकता की है, और ये बताने की कि ये परीक्षा कोई भी लड़का पास कर सकता है, मीन्स एवरेज जहन का लड़का भी इसको पास कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत टॉपर ही बच्चे सिर्फ इसको नहीं पास कर सकते हैं, ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। शिक्षा के दौरान कब आपके दिमाग में आया, मन में आया पढ़ाई करते समय?
सच्ची बात तो ये है कि बचपन से ही मेरे अंदर ये शौक़ मेरे भाई और मेरे अब्बा ने इसको जगाया कि बेटे कलेक्टर बनो, लेकिन ये कि बस जहन में था कि यूँ बनना है। और सीरियस तैयारी मैंने तो इसकी थोड़ा बहुत शुरुआत में ग्रेजुएशन के दौरान की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीरियस तैयारी शुरू की मैंने। शौक़ तो बचपन से ही था कि बनना है। काफ़ी लोग देखिए, जैसा कि नाम ही दर्शाता है, सिविल सर्विसेज मीन्स सेवा, समाज सेवा इसका एक अंग रहेगा इस सर्विस का। तो मैं जहाँ भी रहूँगा कोशिश करूँगा कि लोगों से कनेक्ट रहूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सर्विस में डिसकनेक्ट की आती है, पब्लिक से डिसकनेक्ट की। तो पब्लिक से कनेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पब्लिक से कनेक्शन रहेगा तो जो भी समाज के में दुखी लोग हैं या जिनके हक उनको मिलना चाहिए वो आसानी से उन तक पहुँच सकेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी रहूँ समाज के वो तबके जिनको ज़रूरत है कि उनका हक मिले, उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस परीक्षा में पास करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और फेलोर जो है वो खुद एक तरीके से एक स्टेप है सक्सेस का, क्योंकि फेलोर से आप सीखते हैं कि हमने क्या गलती की थी, अगली बार हम वो गलती नहीं करेंगे। तो मेरा उनसे यही संदेश है कि वो इस प्रयास में लगे रहें और एक न एक दिन कामयाबी उनके कदम चूमेगी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो फेल होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि उससे हम सबक ही सीखते हैं।